नहीं है मेरे पास, नहीं है कि मैं आपसे भी शेयर करूं और एक मुस्कान के साथ मैं आपके साथ वो लेके मैं पिक्चर भी लूं और अपने पास रखूं, वो नहीं है। मैं आगे के लिए बदलाव के लिए ही चाहती हूं, और ये मेरा अपना राय है, मेरे दिल का राय है जो मैं दर्द से गुजर रही हूँ। हम तो अपने दर्द में, अपने गम में, अपने बेटे के लिए सब कुछ कर रहे थे, उनका चल रहा था प्लानिंग क्या करना है क्या नहीं, टच भी नहीं की ऐसे कर दी, उनके हाथ ही मेरे टच में था, सम्मान तो उनके हाथ में था, तो बड़ा फक्र होता, लेकिन ऐसा सौभाग्य नहीं मिला और हम तो छू भी नहीं पाए। अच्छा लगा बेटे की वजह से हम इतना सम्मान बड़ा मिला, और लोग तो ऐसे ही चले जाते हैं, पर एक बेटा जो मेरा करके गया है उससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता, बहुत बड़ा सम्मान था और बहुत अच्छा लग रहा था, पर कुछ दर्द भी था और कुछ खुशी भी थी कि मेरा बेटा ये करके गया है, इतना बड़ा काम करके गया है जो चार परिवारों को दुख से बचाया है, अपने परिवार को ना देखते हुए, अपने को ना देखते हुए उन परिवारों को खुशी दे के गया है, इससे बड़ा क्या सम्मान होगा, इससे बड़ा क्या खुशी होगी कि मेरा बेटा इतना बड़ा काम करके गया है। दर्द है कि मेरा बेटा मेरे साथ नहीं है, इसका कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता, एक माँ ही लगा सकती है, और वो माँ का दर्द कोई माप नहीं सकता है, जो माँ होती है उनको पता है इसका दर्द कितना होता है, कोई नहीं इसका माप लगा सकता है। एक बड़ी बात है, बेटा गया, उसके बाद जो सम्मान आपको मिला वो भी आज आपके पास नहीं है। नहीं है मेरे पास, नहीं है कि मैं आपसे भी शेयर करूं और एक मुस्कान के साथ मैं आपके साथ वो लेके मैं पिक्चर भी लूं और अपने पास रखूं, वो नहीं है किस्मत में। क्या कहना चाहिए? मैं आगे के लिए बदलाव के लिए ही चाहती हूँ, और ये मेरा अपना राय है, मेरे दिल का राय है जो मैं दर्द से गुजर रही हूँ, मुझे किसी और पे उंगली नहीं उठाना, किसी के पे कोई हक नहीं है, पर मैं अपने लिए आवाज़ उठा सकती हूँ, अपने जैसे माओं के लिए आवाज़ उठा सकती हूँ, और मैं हमेशा बोलती रहूँगी, मुझे कोई रोक नहीं सकता। क्या बहू से किसी प्रकार की कोई नाराजगी? नहीं, कोई मेरे से बहुत प्यार से गई, मम्मी भी उसकी बोली कुछ दिन के लिए मेरे पास रहेगी, वो भी बोली कि मैं कुछ दिन में आ जाऊंगी, मैं कि हाँ कोई बात नहीं, तुम्हारी जब इच्छा है आना, जब मेरे पास मन हो रहना, मम्मी के पास रहना मन, अच्छे से गई, कोई इशू नहीं, अगर थोड़ी इशू भी होती तो मैं समझ सकती थी, कोई इशू भी नहीं, इतना प्यार से 13 दिन रहे हम साथ में, जो भी बेटे का संस्कार हुआ उसमें कुछ लगा ही नहीं, कि हम तो अपने दर्द में, अपने गम में, अपने बेटे के लिए सब कुछ कर रहे थे, उनका चल रहा था प्लानिंग क्या करना है क्या नहीं, वो जाने वो बेहतर बताएंगे। आपने एक बड़ी बात कही कि मैंने अपनी बहू को अंशुमान कहा। उसको भी पता है, क्वेश्चन करिएगा, मैं उसको भी बोली थी तू मेरा अंशुमान है, अंशुमान तो फौज के लिए बने हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं, पर तुम्हारे पास मैं रहूंगी, क्योंकि मेरा बेटा बोलता था, डैडी से भी झगड़ा करता था, मम्मी तो मेरे साथ ही रहेगी, तो मैं यही दिमाग में था कि मैं तो तुम्हें ही अंशुमान बोलूँगी, तू मेरे लिए अंशुमान है, और मैं कभी उसको नाम भी नहीं रख, मैं बेटा ही बोलती थी, उसको भी बेटा ही बोलती थी, मैं अपने बेटे को भी कभी नाम ऐसे बताने के लिए तो नाम बताना पड़ता है, पर मैं कभी अपने बच्चों का नाम नहीं रखती, मेरे अपने क्या, मैं किसी भी बच्चों को बेटा ही बोलती हूँ। जब राष्ट्रपति जी के यहाँ सम्मान मिल रहा था उस समय क्या कुछ चीज़ हुई, क्योंकि बताया जा रहा है उस समय आप सम्मान को भी हाथ में ठीक से नहीं पकड़ा। इशू बनाई होंगी वो जब रिहर्सल हो रहा था, तो सीओ साहब के साथ हो सकता है उनकी बातें हुई होंगी, कुछ उनको डर होगा कि कहीं माँ लेके ना चली जाए।
ये मेरे अंदर की बात, दिल की बात है। उनको डर होगा इसलिए वो इशू बनाई, ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर दो पर्सन आदमी पकड़े हैं तो लगता है ना कुछ सेकंड के लिए कि कौन छोड़ रहा है, गिर ना जाए। उन्होंने छोड़ा और मेरे हाथ में ही रह गया, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई मैं हाथ आगे नहीं बढ़ाई, कोई खींची नहीं। पर उन्होंने शायद इशू बनाया सीओ साहब से, और सीओ साहब को बुला के शेयर किए होंगे अब इनके बीच क्या बात हुई। तो इन्होंने आया बोला कि ऐसे है कि तुम बस छू लेना, लेना नहीं। तो मैं कि हाँ कर लूँ, मैं आप कहो तो मैं हाथ भी नहीं ले जाऊँगी, मैं खड़ी रहूँगी। पर आप देखे होंगे एक दो सेकंड में नहीं हाथ बढ़ाई, पर राष्ट्रपति जी मेरे तरफ देखी तब मैं हाथ फट से ले गई बढ़ाई। पर मैं बस टच भी नहीं की, ऐसे कर दी, उनके हाथ ही मेरे टच में था, सम्मान तो उनके हाथ में था। आज बेटी की क्या कुछ यादें मौजूद हैं, कैसे सोचती हैं, कब कब चीज़ें? एक माँ के लिए तो बचपन से ही जैसे बच्चे होते हैं, आज जितने दिन कुछ करके गए एक एक पल की बातें याद आती है। और वो मैं शायद मेरी सांस जब तक रहेगी ख़त्म ही नहीं होगा, वो पल बताने में ख़त्म ही नहीं होगा, कोई उसका नंबर नहीं मैं बता सकती कितने दिन में ख़त्म होगा, वो पल कभी ख़त्म नहीं होगा। मैं वही सोचती रहती हूँ कब क्या किए थे हम, कैसे मैं उसको कैसे करती थी, क्या करती थी। वो हर माँ बाप के लिए बच्चे होते हैं प्यारे, लेकिन उन बच्चों में एक बच्चा होता है जो ज़्यादा ही माँ बाप के प्यारे होते, माँ बाप के लिए होते हैं, तो वो शायद वो अकेला था। देखिए, जो देश का द्वितीय शांतिकालीन सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, ये अपने आप में एक आदर्श है और अनुकरणीय है। और हमारे बेटे को मिला वो ज़िले का पहला खुश नसीब है जिसे ये सम्मान मिला। तो हमारी पूरी नस्लें, आइए कहें कि पूरा ख़ानदान और हमारा क्षेत्र और ज़िला इसके लिए सरकारों का कृतज्ञ रहेगा, और सरकारों का सहयोग हमारे साथ बड़ा ही अनुपम और आदरणीय रहा है। एक तरफ जहाँ ये सम्मान मिला उसकी मिलने की खुशी, वहीं दूसरी तरफ सम्मान को ना घर ला पाने का भी दुख। बिल्कुल है, क्योंकि अगर ला पाते तो बेहतर होता। क्या कहना चाहेंगे सर उसको लेके, इसके पीछे क्या चीज़ें रहीं और क्या उसमें आपकी राय है? चीज़ें रहीं वो मैंने पब्लिक डोमेन में बहुत बोल दिया, बहुत ज़्यादा इस पर बोलना दुखों को फिर कुरेदना है। इच्छा ज़रूर थी कि हम ले पाएँ, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी जिससे कि हम नहीं ले पाए, नहीं देख पाए। तो मेरा दिली इच्छा ज़रूर है कि मतलब ऐसा कुछ ना कुछ प्रावधान होना चाहिए जिससे किसी की इच्छाओं के कलियों पर तुषारपात ना हो, और किसी को शहादत के गम के साथ साथ खुशी मनाने का भी अवसर मिल सके। बेटे को लेकर के क्या सोचते हैं, किस तरह से चीज़ें रही और आज के समय क्या है? बेटा शायद उसको इस दुनिया से बहुत जल्दी जाना था, वो एक अनुपम धरोहर था भगवान के कृति का। क्योंकि दो चीज़ें मैं आपको शेयर करूं, अपनी शादी में वो एक सूट लेकर के गया था और माताजी ने ये कह दिया कि मेरे बेटे की शेरवानी बहुत अच्छी थी, तो उस पूरे शादी के फंक्शन में वो सूट नहीं पहना, वो जूते और वो सूट पैक हमारे घर वापस आए थे। दूसरा, उनके बाल कुछ पके हुए थे, आप फोटो में देख सकते हैं, तो उनकी मम्मी ने पहले कह दिया था कि मेरे बेटे का बाल बहुत सुंदर लग रहा है, तो उस पूरे शादी के जश्न में सब कह के हार गए, उन्होंने अपने बाल को रंगा नहीं। तीसरा, वो दाढ़ी बहुत प्रेम से रखे थे क्योंकि फौज में कम रखने को मिलता है, तो जब आए थे तो उसमें रखे थे, और शौक से कि जब जाएंगे तो छीलना पड़ेगा। तो मेरे एक भाई ने कहा कि बेटा आज दाढ़ी छील, बोला अभी आते हैं अंकल, और वो होटल में गए, तत्काल छील के आ गए। तो परिवार के साथ उनका जो एफिलिएशन था वो बड़ा ही आले दर्जे का था, और माता जी के साथ स्पेसिफिक जैसे था वो तो यूनिक था। तो हमें गर्व है अपने बेटे पर कि आज जहाँ भी होंगे उनकी आत्मा को शांति मिले, और निश्चित रूप से उन्होंने जो रास्ता चुना इस धरा को छोड़ने का, वो मोक्ष पे अपना अमृत्व का अधिकार सिद्ध करता है, और अमृत्व पे उनका अधिकार सिद्ध है। तो मेरा इतना भौतिक रूप से कद नहीं कि मैं उनकी आत्मा को सत सत प्रणाम करता हूँ, मैं कोई भी उनको साधुवाद दे सकूँ या कोई कामना कर सकूँ, क्योंकि ये शास्त्रों में वर्णित है कि राष्ट्र पे जो अपने आप को समर्पित करता है वो सीधे मोक्ष को प्राप्त होता है। तो हिंदू धर्म में केवल अंतिम इच्छा होती है मोक्ष को प्राप्त करना, मेरी जहाँ तक जो मान्यता है और जो धर्मों में थोड़ी सी लगाव के कारण जानकारी है, तो मोक्ष पे उनका अधिकार सिद्ध है। इसलिए उस महान आत्मा को सत सत प्रणाम करता हूँ, और मैं ये नहीं कामना कर सकता कि उनकी आत्मा को शांति मिले, वो तो परम शांति में विलीन हो चुके हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा, आज के समय जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, लगातार ये बात कही जा रही है कि उस सम्मान पलक मिला उस पर आपका भी उतना ही अधिकार था जितना आपकी बहू।
निश्चित रूप से, निश्चित रूप से अधिकार था, क्योंकि उनको बहादुर बनाने के क्रम में माता पिता परिवार परवरिश उनके गुरु उनके मित्र सबके अपना अपना सहयोग है। जैसे किसी व्यक्तित्व का निरूपण होता है और निर्धारण होता है, तो पत्नी तो अभी 5 महीने से आई थी, निश्चित रूप से उनका जो गम है वो काबिले वाइस है। लेकिन अगर ऐसा है कि जिस हम आज अगर सुबह सो के उठें तो अपने बेटे की उस पुरस्कार को देख पाते कि ठीक है, तो बड़ा फक्र होता, लेकिन ऐसा सौभाग्य नहीं मिला और हम तो छू भी नहीं पाए। तो यही कुछ गम थे जो कि सरेबज हमने अपनी दास्तां को बयां की, वरना ये बड़ा खूबसूरत मंजर नहीं है जिसे कि सरेबज कही जाए। उनकी कितने टाइम से उनके टच में थी ये भी बात कही जा रही है, और उसके बाद क्या कुछ चीज़ें रही, कुछ एड्रेस को लेकर के भी बात करते। हाँ, उनकी वाइफ जब वो इंजीनियरिंग करने गए थे 2015 में, जुलाई अगस्त का महीना रहा होगा, सितंबर में वो चले गए थे आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, तो वो भी आई थी वहाँ इंजीनियरिंग करने के लिए। तो उनकी जो भी पहचान या आप कहें कि प्रेम का जो प्रगाढ़ता बड़ी होगी, उसके बाद वो चले गए और जो भी मुलाकातें रही होंगी, तो कभी कभार छुट्टी तो हमारे ही पास आते थे, एक आध बार हो सकता है कि मुलाकात हुई उनके दोस्तों से मिला कि किसी से बातचीत इनकी कभी कभार होती है, कभी उन्होंने हटाया, कभी ब्लॉक किया, कभी ये किया। और कमीशन के बाद भी कुछ ऐसा नहीं मिला कि बहुत जो है मतलब प्रगाढ़ प्रेम का ऐसा रहा हो। जो भी रहा हो, मैं उस प्रेम का पूरा सम्मान करता हूँ। उन्होंने उस पहचान को, उस प्रेम को, जो प्रेम की पूर्णता है, उसको प्रदत्त करने के लिए कहा कि हम शादी कर लेते हैं, और हमने बड़े धूमधाम से शादी किया। और उनके मदर फादर भी आदरणीय हैं, उन्होंने बड़े धूमधाम से शादी किया, हम 10 फरवरी को शादी किए, और जरा भी हमारे बीच में कोई कंट्रोवर्सी या वो नहीं था। 19 जुलाई को भी हमारी बहू ने हमें सूचित किया था और वो यहाँ आई थी और पूरे रस्म व रिवाज में साथ रहीं, लेकिन 13 के अगले दिन से जब से घर छोड़ के गईं तब से क्या उनके दिल में आया मैं आज तक नहीं जान पाया, और जानने का प्रयास भी किया। धीरे धीरे उन्होंने फ़ोन बंद किया, नंबर हमारे जो पोस्टपेड के इनके थे उसी नंबर से, प्राइम नंबर से उसको बंद किया, हमारे नंबर को ब्लॉक किया, बातचीत करना बंद किया, पूजन में नहीं आई और राष्ट्रपति भवन में इस तरह की व्यवहारिकता का प्रदर्शन किया। इसका तो जवाब बेहतर तरीके से वही दे सकते हैं, हम तो सिर्फ अपने परिदृश्य से देख सकते हैं। राष्ट्रपति भवन में किस तरह की क्या बात है? जैसे राष्ट्रपति भवन में उन्होंने रिहर्सल के दिन उनकी माता जी ने पेपर को पकड़ा था, तो उन्होंने कुछ अपनी मंतव्य जाहिर की कि ये हाथ में पकड़ ली थी, तो हमने कहा कि आप अगर उनके सीओ साहब को कि अगर डेकोरम को मेंटेन करने के लिए आप कहेंगे तो हम जाएंगे भी नहीं, और माता जी नहीं जाएंगे, लेकिन मेरे बेटे के सम्मान को पूरा डेकोरेटेड तरीके से मिलना चाहिए। और उन्होंने कहा नहीं नहीं चलिए, लेकिन आप केवल हाथ लगा दीजिएगा। तो मेरी पत्नी ने बहुत संकोच के साथ हाथ लगाया, और फोटो जब वो हो रहा था गेट के बाहर, तभी उन्होंने कहा कि एक फ़ोटो माता जी के हाथ में भी हो जाए। और मैं वो दुर्भाग्यशाली पिता था जो हाथ में भी नहीं ले पाया, इच्छा तो बहुत थी और खोल के कम से कम देख लेता बींग एक्सपोजी, तो कदाचित वो संतोष मिल जाता जो कि हर पिता चाहता है, और नहीं मिल पाया तो इसका गम जरूर है। और हमने ये इच्छा भी की थी कि यहाँ पे बस पे लगाने के लिए दीजिए, हम आपको सम्मान वापस कर देंगे, और देना ना देने की बात की प्रक्रिया तो अलग है, उन्होंने कोई जवाब तक नहीं दिया। और हमारे होटल पहुंचने से पहले 6 तारीख को जब तक मैं माननीय रक्षामंत्री से मिल करके वापस आता, तब तक वो होटल छोड़ के जा चुके थे, उनके पिता का फ़ोन ऑफ था। और मैंने बात भी किया तत्काल सीओ साहब को, फ़ोन किया, वो लोग चले गए, आपने बात किया, तो उन्होंने बोला फ़ोन नहीं लग रहा है, आप बात कर ले। उनके भाई राजीव सैनी, उनको भी मैंने फ़ोन किया, तो हमने कहा मैं राजेश जी को फ़ोन कर रहा था, गलती से आपको लग गया। कोई पलट के उनका जवाब नहीं आया और कोई वो नहीं था, तो ये जो दर्द था वो बयां हुआ, जो आज आप देख रहे हैं कि समाज में आया, कदाचित ना आता तो बेहतर होता। एड्रेस चेंज पूरे करके, हाँ, 5 फरवरी 2024 को उन्होंने मेरे बेटे का जो परमानेंट एड्रेस है देवरिया से, वो शिफ्ट करके चेंज करा के, और वो चला गया वहाँ पे, मैंने गली नंबर 3 दीनानगर गुरदासपुर। जब मुझे पता चला प्रेसिडेंट वहाँ पे होटल में उनके सीओ साहब के माध्यम से, तो मैंने कहा ये बहुत गलत हुआ और कम से कम हमारी नोटिस में होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे परिवार के हिस्सा थे, सदस्य थे, और उनकी पहचान हमसे और हमारी पहचान उनसे है। तो आप उनके एनओके का रेजिडेंशियल एड्रेस, कम्युनिकेशन एड्रेस, जो एड्रेस चाहिए चेंज कर लीजिए, लेकिन उस अफसर का पार्टू आर्डर में परमानेंट एड्रेस नहीं चेंज होना चाहिए था। तो मुझे कहा गया कि ये प्रक्रिया है और उनके एप्लीकेशन पे ऐसा किया जा सकता है, मतलब कोई बात नहीं, प्रक्रिया है तो आप प्रक्रिया का पालन करें, आप उसी का पालन करेंगे जो निर्धारित मापदंड है, लेकिन मैं अपनी बात को तो रख सकता हूँ और मुझे आज भी इस चीज़ का गम है। मैं चाहूँगा कि मेरा एड्रेस पुनः जो उनकी पहचान है वहाँ पे हो जाए, और जो भी कम्युनिकेशन का एड्रेस या रेजिडेंशियल एड्रेस, टेम्प्रोरी एड्रेस इनके एनओके का है, वो वहाँ रहे।